हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विकी वीज़ा सर्विसेज एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे SDS एंड नॉन SDS के बारे में, व्हाट इज़ नॉन SDS स्ट्रीम एंड व्हाट इज़ SDS स्ट्रीम। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को लेकर जाएं तो पहले SPP एंड नॉन SPP कॉलेजेस होते थे। तो 2018 में SPP एंड नॉन SPP हटके SDS एंड नॉन SDS इंट्रोडक्शन हो चुकी है। तो अब क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कब हमारी फ़ाइल SDS में क्वालिफाई करेगी और कब हमारी फ़ाइल नॉन SDS में क्वालिफाई करेगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि SDS एंड नॉन SDS बेसिकली क्या चीज़ें हैं। SDS जो है वो सुप्रीम कैटेगरी ऑफ वीज़ा फाइलिंग है, जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफ़िल करनी होती है अगर हमें अपनी फ़ाइल SDS कैटेगरी में लगानी हो। और SDS कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा कोई भी फैक्टर आपकी फ़ाइल को SDS में आने से अफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहला फैक्टर है, ध्यान से सुनिएगा जी, IELTS का 6 ईच होना कंपलसरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके IELTS में ओवरऑल 7.5 बैंड है और आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है, आपकी फ़ाइल SDS में नहीं लगेगी, आपकी फ़ाइल नॉन SDS में लगेगी। सेकेंड पॉइंट, आपको GIC एटलीस्ट $10,000 पे करना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी अंडर SDS। एंड द थर्ड वन इज़ योर एनुअल ट्यूशन फीस। अब होता क्या है इस केस में, आप एज अ स्टूडेंट 1 ईयर का ट्यूशन फीस भी पे करके चलते हो, आप GIC ऑब्वियसली पे करके चलते हो टू कैरी आउट योर लिविंग एक्सपेंसेस, एंड कहीं ना कहीं IELTS कुछ केसेस में एलिजिबल नहीं होता है अंडर SDS, तो फाइल नॉन SDS में लग जाती है, एज सिंपल एज दैट। और इसको हम एज अ कंपेरिजन, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरिजन के लिए वी कैन कंसिडर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि स्लीपर, फर्स्ट क्लास AC, सेकेंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC, whatever। तो सबका डेस्टिनेशन तो सेम है, एक ट्रेन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, तो उसी तरह से कनाडा वीज़ा फाइलिंग में भी ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है SDS एंड नॉन SDS। तो अब हम नॉन SDS की अगर बात करते हैं, नॉन SDS में आपको IELTS जो है 6 ईच मैंडेटरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका IELTS नहीं है तो भी चलेगा, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको IELTS एग्जम्पशन देती है, वो कहती हैं कि अगर आप हमारे पास आते हैं पढ़ने के लिए तो IELTS की देने की ज़रूरत नहीं है, आपके अगर एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आपको एडमिशन विदाउट IELTS जो मिल जाती है, देन यू कैन फाइल योर एप्लीकेशन इन एम्बेसी विद सेम विदाउट हैविंग योर IELTS। एंड अगर आपका PTE है तो भी आपकी फ़ाइल नॉन SDS में लगती है, क्योंकि SDS की रिक्वायरमेंट IELTS के साथ में 6 ईच की है। एंड नॉन SDS में GIC मैंडेटरी नहीं है, अगर GIC नहीं भी है तो भी चलता है। एंड नॉन SDS में आपके लिए थर्ड वन इज़, आपको वो एक साल का ट्यूशन फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अगर चाहो तो आप 6 मंथ्स की ट्यूशन फीस भी पे कर सकते हो, अगर आप चाहो तो सबमिशन कंफर्मेशन भी पे जो अमाउंट रहता है $500, $1,500 वो पे करके भी आप फ़ाइल अपनी लगा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी फ़ाइल में कोई गैप है, कोई पहले रिफ्यूज़ल है, कोई आपकी जो एजुकेशन है वो कॉरस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन है, या कोई भी ऐसी कोई भी फैक्टर है, आपकी एज जितनी मर्जी हो, आप 40 इयर्स के क्यों ना हो, तो SDS एंड नॉन SDS इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है। सो अगर आपको ये कन्फ्यूजन थी अभी तक SDS एंड नॉन SDS के बारे में, आई होप इस वीडियो से काफ़ी क्लियरेंस हुई होगी कन्फ्यूजन की। और इसके अलावा जो लास्ट है डिफरेंस, दैट इज़ ऑफ टाइम फ्रेम। अगर आप फाइल SDS में अपनी लॉन्च करते हैं तो SDS में आपके लिए जो टाइम फ्रेम रहता है, जो वेरी रिसेंट टाइम फ्रेम्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग SDS में अप टू 45 डेज 45 दिन जो है कैलेंडर डेज, मीन्स 5 डेज इन अ वीक काउंट करते हैं। एंड नॉन SDS में अप टू 7 वीक्स जो रिसेंट टाइम है, जनवरी 2021 में जो रिलीज़ हुआ था। एंड एक बात और बताना चाहता हूँ, बिफोर मार्च 2020 ऐसा कुछ भी नहीं था कि टाइम फ्रेम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आप फाइल कर दीजिए और योर फाइल इज़ इन SDS और नॉन SDS, डजेंट मैटर, आपका डिसीजन लगभग 10 से 15 दिन में आ जाता था। इससे पहले जब बिफोर मार्च 2020, उससे पहले आपकी फ़ाइल SDS में हो या नॉन SDS में, डजेंट मैटर, आपका डिसीजन 10-12-15 दिन में मैक्सिमम आ जाता था। तो अभी सर्कमस्टांसिस वैसे नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम अब काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है और
अच्छी होती जा रही है डे बाय डे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करते हैं, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच।